काजू में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। कॉपर काजू में सबसे प्रचलित खनिज पदार्थ होता है जो हीमोग्लोबिन, कोलेजन और तंत्रिका तंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत ही खास होता है। काजू में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जस्ता और फास्फोरस जैसे अन्य खनिज भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ ये विटामिन के भी अच्छे सोर्स होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। इस तरह से आप काजू का उपयोग करके अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। तो चलिए हम काजू से होने वाले फायदों के बारे में जान लेते हैं, जिसे जानकर आप अपने स्वास्थ्य को और निखार सकेंगे। बात करेंगे मधुमेह में उपचार की। इसके लिए थोड़े से काजू का उपयोग आपको मधुमेह के खतरों से बचा सकता है। कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि काजू रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकते हैं। इसमें ओलिक एसिड होता है जो ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम कर सकता है। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि काजू का उचित रूप से सेवन करने वाले मधुमेह टाइप 2 रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम और स्थिर करने में मदद मिलती है। बात करेंगे हृदय विकारों की। काजू आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। काजू रक्तचाप और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में समर्थ होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। काजू सामान्य और स्वाभाविक रूप से कोलेस्ट्रॉल मुक्त होते हैं, जिनमें स्वस्थ वसा पर्याप्त मात्रा में होती है। काजू में ऑर्गेनिन भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो धमनियों के भीतरी परत की सुरक्षा करते हैं। काजू में उपस्थित ओलेइक एसिड हृदय की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनमें विटामिन ई भी पाया जाता है, जो धमनियों की रक्षा करता है। बात करेंगे हड्डियों और दांत को मजबूती देने के लिए। हड्डियों और दांतों के लिए कॉपर बहुत उपयोगी होता है। कॉपर की कमी अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस के खतरों को बढ़ा देती है। साथ ही कोलेजन और इलेस्टिन के उत्पादन में तावे का योगदान होता है, जो शरीर की संरचना के प्रमुख भाग हड्डियों को बनाता है। काजू तांबे का अच्छा उत्पादक स्रोत होता है। काजू में उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसमें उपस्थित मैग्नीज, कैल्शियम और तांबे आपस में मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। ये खनिज दांत और मसूड़ों के लिए लाभकारी होते हैं। बात करेंगे कैंसर को रोकने की। काजू प्रदांत कैंसर को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कोलन कैंसर को रोक देता है। कुछ अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है कि काजू कोलन कैंसर के इलाज में बहुत हद तक प्रभावी रूप से सफल हुआ है। काजू एंटीऑक्सीडेंट, विटामिनों जैसे टोकोफेरॉल और फिनोलॉजिक यौगिकों के अच्छे सोर्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से बचाते हैं। इसके उपयोग से कैंसर के कारण होने वाली कोशिकाओं के परिवर्तन और डीएनए क्षति को भी रोका जा सकता है। इसमें उपस्थित अन्य पोषक तत्व जैसे एलेगिक एसिड कैंसर सेल चक्र को समाप्त करने में मदद करते हैं। बात करेंगे स्वस्थ दिमाग रखने के लिए काजू के प्रयोग की। मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू में उपस्थित विटामिन ई उम्र से संबंधित कमजोर याददाश्त को दूर कर सकता है। चूंकि मस्तिष्क ज्यादातर वसा से बना है, जो कि स्वस्थ फैटी एसिड की लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है, काजू या इसी तरह के अन्य खाद्य फल स्वस्थ वसा से परिपूर्ण होते हैं। अगर आप काजू खाते हैं तो अवसाद, चिंता और मनोभ्रंश और डिसलेक्सिया जैसी बीमारियों से भी रोकथाम होगी। काजू के फायदे लेने के लिए इसका सेवन आप आज से ही शुरू कर दें। सिर दर्द के लिए कैसे काजू का उपयोग करेंगे, जरा देख लीजिए। यदि आप सिर दर्द जैसी तकलीफों से गुजर रहे हैं तो काजू का सेवन आपको बचा सकता है। काजू में मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है, जो सिरदर्द और माइग्रेन को रोकता है। इसलिए आप सिरदर्द से बचने के लिए काजू का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। बात करेंगे वजन घटाने की। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। काजू चमत्कारिक रूप से आपका वजन कम नहीं करेगा, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से आपके वजन को कम करने में मदद जरूर करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है, जो वजन घटाने के आहार का हिस्सा होती है। इसके अलावा काजू का उपयोग करके आप अपने भोजन को ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि काजू मोनोअनसैचुरेटेड वसा का एक अच्छा सोर्स होता है, जो कि वजन को कम करने में सहायता करता है। आंखों के लिए भी काजू बहुत फायदेमंद होता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें काजू का सेवन जरूर करना चाहिए। काजू में ल्यूटेन और जैकेक्टिन अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है, जो हमारी शक्तिशाली आंखों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही हमारी आंखों की सामान्य रूप से रक्षा करता है। काजू का उपयोग कर हम उम्र से संबंधित दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, साथ ही मोतियाबिंद को रोक सकते हैं। काजू के फायदे लेने के लिए इसका सेवन शुरू कर दीजिए।
खून बढ़ाने में कैसे लाभकारी होगी जरा देख लीजिए। इसमें उपस्थित तांबा और लोह तत्व लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन और उनके रखरखाव का काम करते हैं। इनमें रक्त स्वास्थ्य में सुधार होता है और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ जाती है। काजू में उपस्थित लोहा लोहे की कमी को पूरा कर एनीमिया को रोकने में मदद करता है। काजू के फायदे लेने के लिए इसका सेवन शुरू कर दीजिए। पाचन के लिए कैसे अच्छा रहता है काजू जरा देख लीजिए। काजू में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट पेट की आंतरिक परत की रक्षा करते हैं, साथ ही ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अनुसंधान बताते हैं काजू का सेवन शराब के कारण पेट में होने वाले नुकसान को भी कम कर सकता है। काजू में फाइबर कम होता है जिससे ये कब्ज को दूर करने में मदद करता है। काजू के फायदे लेने के लिए आप इसका सेवन शुरू कर दीजिए। त्वचा को कैसे स्वस्थ बनाता है जरा देख लीजिए। इससे निकलने वाला तेल मुहासों को कम करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। काजू में सेलेनियम, जस्ता, लोहा और मैग्नीशियम शामिल होते हैं जो त्वचा संबंधी सभी विकारों को दूर करते हैं। साथ ही इससे त्वचा कैंसर को भी रोका जा सकता है। काजू में पाए जाने वाले सेलेनियम और विटामिन ई त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए आप काजू खाना शुरू कर दीजिए। चमकदार बालों के लिए काजू कैसे फायदेमंद होगा जरा देख लीजिए। काजू में उपस्थित तांबा बालों के उत्पादन को बढ़ाता है, साथ ही बालों के रंग को भी बढ़ाता है और उन्हें चिकना और रेशमी बनाता है। काजू में लिनोलिक और ओलिक एसिड होते हैं जिनसे बालों को पोषण और ऊर्जा मिलती है। इन सभी लाभों के लिए आप काजू के तेल को अपने बालों में लगा सकते हैं।